नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल। आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी इस बारे में जानकारी देखने वाले हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, किस वजह से होती है, क्यों होती है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज से होने वाली दूसरी बीमारी, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन। आज अगर हम देखें तो इंडिया में हर एक घर में एक तो मरीज डायबिटीज का हमें मिलेगा। अगर आपका डायबिटीज चार से पांच साल पुराना है, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं, 200 से ज्यादा रह रहे हैं, तो क्या हो सकता है? आपका जो ब्लड है, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, यानी थिक हो जाएगा। फिर ऐसा गाढ़ा ब्लड आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। हमारी बॉडी में जहां जहां पे बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां तक ये ब्लड इजीली नहीं पहुंच पाता। हमारी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कहाँ पे होते हैं? एक तो आपकी आंखों को सप्लाई करने वाले, दूसरा आपके हार्ट को सप्लाई करने वाले, तीसरा आपकी किडनी को सप्लाई करने वाले और आपके हाथ और पैर की उंगलियों को सप्लाई करने वाले। यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ तक अगर ये गाढ़ा ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन भी ठीक से नहीं पहुँचेगा। इसकी वजह से वहाँ के नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, वो ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। अगर अभी हम देखें कि आँखों में क्या हो सकता है, आँखों में रेटिना नामक एक चीज़ होती है। अगर डायबिटीज़ की वजह से इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए या इसको कुछ डैमेज हो जाए तो उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो आपको डायबिटीज़ है, चार पाँच साल हो चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि पहले से आँखों की रोशनी कम हो गई है, दिखना कम हो गया है, आँखों के आगे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं या थ्रेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, धुंधलापन आ गया है, ऐसे कोई भी सिम्टम हो तो आपने ये रेटिना की जांच करवा लेनी चाहिए। इसको रेटिना चेकअप बोला जाता है। उसी तरह से दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, हमारा हार्ट। अगर डायबिटीज़ की वजह से आपका हार्ट कहीं पर डैमेज हो रहा है, हार्ट यानी हार्ट का ब्लड सप्लाई डैमेज हो रहा है, तो आपके हार्ट के मसल्स को तकलीफ हो सकती है। इसकी वजह से हमें क्या लक्षण हो सकते हैं? तो आपको चलने पे सांस फूलना या चेस्ट में पेन होना, घबराहट होना या फिर आपका बीपी ज़्यादा बढ़ना। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको हार्ट के लिए स्ट्रेस टेस्ट नामक जांच करानी चाहिए। हम माधोबाग मोरवाड़ी पिंपरी में आपको ये दोनों जांचें अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। आँखों के लिए आपको रेटिना चेकअप करना है और हार्ट के लिए आपको स्ट्रेस टेस्ट करवानी है। तो इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, माधोबाग मोरवाड़ी पिंपरी। धन्यवाद।